सोसाइटी तो अच्छी, मैं खुद कह रही हूँ मैं भी एक प्लॉट ले ही लूँ यहाँ पे। हाँ बिकॉज सेफ सोसाइटी और लाहौर में इससे बड़ी क्या बात होती है। मुझे गाड़ी लेनी है, उमरा करने जाना है और साथ ही साथ अपने लिए एक मजीद घर लेना है। अगर तो पार्किंग में मुझे मिलेगा तो मैं पार्किंग में ही ले लूंगी। माशाल्लाह पार्किंग ने इस साल भी काफी एंटरटेन करने के लिए लोगों को इंतजाम किया है और काफी अच्छा लग रहा है। कैसा इवेंट है, एंजॉय कर रहे हैं आप? यार बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है कसम से, दिल बाग-बाग हो गया अब इतना मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गुंदल हूं और आज आपको ले आया हूं न्यू ईयर कंसर्ट के ऊपर। बहुत शानदार इवेंट होने वाला है। अली इसमत जो परफॉर्म करेंगे, नताशा बेग परफॉर्म करेंगी। नया साल है, नए ख्वाब है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो नए साल के अंदर क्या नया करना चाहते हैं। इस इवेंट के हवाले से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या आज वो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे साथ रहे सोशल मीडिया स्टार निम्र अली, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आज के इवेंट कैसा है? पार्क्यू में इवेंट हो रहा है जो कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। जब भी ये लोग इवेंट कराते हैं जान डाल देते हैं इवेंट में। बहुत ज्यादा सर्दी है, आप देख ही होंगे कि मेरे मुंह से जो है वो धुंध निकल रही है, धुआं निकल रहा है ठंडा ठंडा, लेकिन फिर भी मैं उस सर्दी को ओवरकम करके यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ। और क्योंकि न्यू ईयर भी आ गया है तो ये इवेंट हो रहा था न्यू ईयर पर, लेकिन इन्होंने इस इवेंट को थोड़ा सा आगे किया है और आज रखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फूड कोर्ट है, मतलब फूड के लिए भी सारी जगह है, बॉन फायर का अलग से इंतजाम है और उसके बाद फायरवर्क्स अलग से है, तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा मैंने कहा कि नया साल आ चुका है, तो नया साल के क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं कुछ नया? देखिए नया साल जैसे आते हैं नई नई रेजोल्यूशंस भी आती हैं। मेरी बहुत सारी रेजोल्यूशन है जैसे कि मुझे गाड़ी लेनी है, उमरा करने जाना है और साथ ही साथ अपने लिए एक मजीद घर लेना है। अगर तो पार्किंग में मुझे मिलेगा तो मैं पार्किंग में ही ले लूंगी। अच्छा सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी बहुत अच्छी है, पीसफुल एनवायरमेंट है, मेरे दोस्त यहाँ पर रहते हैं, इतना सुकून है मतलब दिमागी सुकून है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ कि जो आज परफॉर्म कर रहे हैं कैसी परफॉर्मेंस है इनकी, सिंगर्स की? वो क्या उसको कहते हैं, अली अजमत और नताशा बेग परफॉर्म कर रही हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत जाने माने सिंगर्स हैं। और मुझे इंतजार है कि जब कब क्राउड इकट्ठा होगा और कब मैं शोर मचाऊंगा जाके हूटिंग करूंगी। अच्छा मुझे बताएं कि कैसा इवेंट है, एंजॉय कर रही हैं आप? Yes, I am enjoying और बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा पार्किंग ने ऑर्गेनाइज कराया, अंधा पैसा फेंका है, इधर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, उधर भी जगह जगह बोनफायर का भी सीन है, सूप भी बहुत जगहों से मिल रहे हैं, कश्मीरी चाय, मतलब फूड स्टॉल्स हर तरह के अवेलेबल हैं। और कल भी कवाली नाइट थी, इट वॉज ऑल गुड। आज बहुत अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, नताशा बेग आ रही है, अली अजमत आ रहे हैं। कैसा इवेंट है, एंजॉय कर रही हैं आप? इन्जॉय तो बहुत हो रहा है और ठंड भी है, और इवेंट की तो बात ही ना कीजिए, कल का इनका बहुत अच्छा हुआ, अभी का स्टार्ट होने वाला है और अली अजमत की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उसका इंतजार है कि इवेंट जैसे स्टार्ट हो तो शुगल मेला एंड देन एंजॉयमेंट हो। अच्छा पार्क भी इवेंट करवाती रहती है, तो ये इवेंट आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे मजीद इनके इवेंट करवाने चाहिए? हाँ एग्जैक्टली आपको करवाने चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है आप इंजॉय भी कर लेते हो और आपको मार्केटिंग भी हो जाती है, मतलब लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट में क्या आ रहा है और प्लॉट्स हैं एंड देन सोसाइटी न्यू वो कैसी सोसाइटी आ रहे हैं। सोसाइटी तो अच्छी, मैं खुद कह रही हूँ मैं भी एक प्लॉट ले ही लूँ यहाँ पे। हाँ बिकॉज सिर्फ सोसाइटी और लाहौर में इससे बड़ी क्या बात होती है। वी आर हेयर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज बाय पार्कव्यू सोसाइटी। Yeah, of course, it's a great opportunity, especially for the residents to come here and celebrate New Year celebrations. All the functions are organized by the society very well. We resident feel very lucky to enjoy with 50% discount. ऐसे इवेंट नेक्स्ट भी होने चाहिए पार्क की जानिब से? डेफिनेटली होने चाहिए, हमारी लाइफ ऑलरेडी इतनी जो है ना घुटी हुई और इतनी टेंशन में होती है कि आई पर्सनली फील लाइक ऐसे इवेंट्स पे आप थोड़ा इंजॉय कर पाते हो मौसम को भी और गैदरिंग्स को भी, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बंदा अपनी डिप्रेस जिंदगी से निकल आता है। इवेंट को एंजॉय कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन है और माशाल्लाह पार्कव्यू ने इस साल भी काफी एंटरटेन करने के लिए लोगों को इंतजाम किया है और काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? जी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बस सर्दी काफी है। सर्दी तो फिर है जी, ऐसे ही है। कैसा इवेंट है, एंजॉय कर रहे हैं आप? यार बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है कसम से, दिल बाग-बाग हो गया अब इतना मजा आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसे इवेंट अगेन होने चाहिए नेक्स्ट टाइम पार्क व्यू की जानिब से? हर साल नहीं, हर दो तीन मंथ बाद तो लाजमी होने चाहिए क्योंकि मजा। ऐसी सोसाइटी है ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, हम इधर ही रहने वाले हैं, फुल सेफ्टी वाली सोसाइटी है, कोई मसला नहीं है। देखें आप सारे यहाँ पे पूरे सारे घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं आराम से। कैसा एनवायरनमेंट है, फूड को एंजॉय किया? यार बहुत स्टॉल लगे ये सारे इंस्टॉल हमने थोड़ा थोड़ा चखा, यू नो व्लॉगिंग का जो काम होता है थोड़ा थोड़ा चखना, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ मजा आ रहा है यार, ये सोसाइटी जो है ना ये लीम खाम की, आपको पता है यहाँ पे बहुत मजे वाली सोसाइटी में चीजें हैं, पार्के बन रही हैं यहाँ पे, हर चीज यहाँ पे हो चुकी है, हमें तो बहुत एंजॉय आता है, लोगों का तो पता नहीं, हमें तो बहुत मजा आता है। ऐसे इवेंट मजीद होने चाहिए पार्क की जानिब से? जी बिल्कुल होने चाहिए। आप एंजॉय कर रहे हैं कितना भाई? बहुत ज्यादा। सर्दी लग रही ना? आप?
हाँ वो वाला, लेकिन सर्दी बहुत है, सुबह करना चाहिए था उनको, सुबह करना चाहिए जी, 5 बजे से खो जाना चाहिए था। सर्दी में भी एंजॉय कर रहे हैं, मुझे मजा था। सर्दी में भी एंजॉय कर रही है ये, सर्दी में भी एंजॉय कर रही है, सही है सही है, सर्दी के लिए मजा आया। अच्छा क्या कहती हूँ कि अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है। पार्क व्यू सोसाइटी कैसी है? हमारी फेवरेट है सोसाइटी, हम लोग रहती भी यहीं पे, स्कूल भी यहीं पे। कौन सी चीज सबसे अच्छी है इस सोसाइटी की? एनवायरनमेंट, हर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, अच्छी है। थैंक यू सो मच। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, इनका ये कहना है कि ऐसे इवेंट मजीद भी होने चाहिए पार्क व्यू की जानिब से, ताकि हम मजीद इंजॉय कर सकें, और इनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कहना चाहते हैं। तो नाज़रीन बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट है, शानदार यहाँ पे इवेंट हो रहा है और लोग बहुत एक्साइटेड है।